जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चकफेज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 4 फरवरी बिहार बोर्ड इंटर इंग्लिश साइंस एंड कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की करा रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन सेट सी का है, अगर आपके पास क्वेश्चन कोई भी सेट का हो तो वीडियो को रोक रोक कर आप आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी का सेम होता है और एक ही जगह आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल, DL EDBEd का शॉर्ट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, ने पहला क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है 100% सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जॉन रीड इंग्लिश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, दिस इज ए बेस्ट कार इन आवर शोरूम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वी वॉन्ट बी लेट डैश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द वोमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर सभी विषय का आप आंसर की मिलाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th बिहार टॉपर साइंस एंड कॉमर्स 2023 के नाम से। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से सभी विषय का 100% सही आंसर की दिया गया है, वहां से मिला लीजिएगा और आपको टोटल नंबर कितना आएगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यू कैन डैश हिम इवन नाउ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन और आंसर करा देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जो लोग ITI नहीं किए हैं वो लोग सरकारी ITI का फॉर्म ज़रूर भरिएगा। सरकारी ITI आपको 1080 रुपये में हो जाता है, 2 साल का कोर्स है। आप लोगों को इंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इंट्रेंस में आप पास करिएगा तो एडमिशन हो जाएगा। अब जो है बिना ITI का आप लोग रेलवे में जॉब नहीं ले सकते हैं, तो आप लोगों को ITI करना चाहिए। लड़कियां का ITI कॉलेज अलग से होता है
वहाँ जो है सीट खाली चली जाती है, तो लड़कियाँ जो है ITI का फॉर्म ज़रूर भरिए। 2 साल का फी जो है आपको 1,080 रुपया लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जब भी फॉर्म आएगा तो हम वीडियो बनाकर इस चैनल पर डालेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म ज़रूर भरिए। पॉलिटेक्निक आपको सरकारी से करते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स 50 से 60 हज़ार रुपया में हो जाता है। तो आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म ज़रूर भरें। इसमें भी कई प्रकार के ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, इसी तरह बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो आप लोग ज़रूर करें। और यही आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको 3 लाख रुपया लगता है, तो आप लोग ज़रूर करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही फॉर्म आएगा इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस पास कीजिएगा एडमिशन होता है। और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह सभी आंसर जो है 100% सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 42, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो लोग सरकारी से टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो लोग DL.ED का एंट्रेंस का फॉर्म ज़रूर भरें। अभी वर्तमान में DL.ED का फॉर्म निकला हुआ है, लेकिन अभी आप लोग 12th पास नहीं है। जो लोग 12th पास होंगे वो लोग अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग पास होइएगा तो नेक्स्ट ईयर भरिएगा। तो आप लोग अगर जनरल से आते हैं या OBC से आते हैं या EBC से, तो आपको 20 से 25 हज़ार में आपको टीचर ट्रेनिंग हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिए। अगर SC से आते हैं या ST से, तो
तो उनको 11,000 में 2 साल का कोर्स हो जाता है। यही अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो 1,20,000 रुपया लगता है। तो डीएलएड का फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिए। वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो लोग पारा मेडिकल का फॉर्म ज़रूर भरें। पारा मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और 12th पास जो होते हैं वो इसमें फॉर्म भरते हैं, जिसका एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाएगा तब पारा मेडिकल में आपका एडमिशन हो जाएगा। 2 साल का कोर्स होता है और बहुत ही कम पैसों 30,000 से 40,000 में आपको पारा मेडिकल का कोर्स हो जाता है और आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाता है। और यही आप प्राइवेट से करते हैं तो 1,00,000 रुपया लगता है। तो आप लोग पारा मेडिकल का फॉर्म ज़रूर भरिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मैंने 12th बिहार टॉपर साइंस एंड कॉमर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ से आप सभी विषय का 100% सही आंसर दिया गया है, वहाँ से मिला लीजिए और आपको टोटल नंबर कितना आएगा यह अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, जिसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज़रूर देखिए, जिससे कि बहुत फ़ायदा होगा आपको।